नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लेके आए हैं कल से अगले का जो अध्याय था, स्वर्णिम भारत के अध्याय में जो महाजनपद के बारे में जो हमें दिया हुआ है वो मौर्य वंश के दिया हुआ है। तो आज हम मौर्य वंश के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मौर्य वंश की जब हम बात करते हैं तो मैंने कल आपको एक महाजनपद बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये एक महत्वपूर्ण था, उसका नाम था मगध। देखो, ये मगध जो महाजनपद था, ये वर्तमान का जो बिहार जो क्षेत्र है वहां स्थित था। बिहार का जो वर्तमान क्षेत्र है वहां ये महाजनपद स्थित था, जिसकी आपको राजधानी मैंने बताई थी, वो राजधानी थी गिरिब्रहज और राजगृह। मैंने आपको कल जब 16 महाजनपद पढ़ाए थे तब उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद बताया था, जिसका नाम था मगध और उसकी राजधानी थी गिरिव्रज और राजगृह। देखो, इसी मगध पर शासन की स्थापना तो हर्यक वंश के समय हुई थी। कब हुई थी? हर्यक जो वंश था उसके समय यहाँ राजवंश की स्थापना हो गई थी इस मगध पर। लेकिन हमें हालांकि सिलेबस में दिया हुआ मौर्य वंश, तो उसके विषय में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तब बात आती है 326 ईसा पूर्व की। कब की आती है? 326 ईसा पूर्व है। इस मगध के ऊपर जो शासन था वो था गणानंद का। किसका था? गणानंद का शासन था। और गणानंद है वो नंद वंश का शासक था। किस वंश का था? नंद वंश का शासक था। देखो, 326 ईसा पूर्व है, मगध के ऊपर है जो शासन था वो नंद वंश का शासन था, और उसका जो शासक था यानी राजा था उसका नाम था गणानंद। और इसी काल की एक घटना है कि यहां अपने एक और अपने जो महाजनपद पड़ा उसका नाम था गांधार, और इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। देखो, तक्षशिला राजधानी भी थी और तक्षशिला एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था, और यहाँ तक्षशिला महाविद्यालय संचालित होता था। और इस तक्षशिला महाविद्यालय में विदेशों से विभिन्न जो विद्यार्थी है वो विद्या अध्ययन के लिए आते थे। और यहाँ के एक आचार्य थे जो प्रमुख विद्वान और एक महान व्यक्ति थे, आचार्य जो थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। याद रहे आचार्य का नाम क्या था? चाणक्य। और इसका दूसरा नाम भी, जो इनका दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है कौटिल्य। क्या नाम मिलता है? कौटिल्य। देखो, जब मगध के ऊपर 326 ईसा पूर्व गणानंद जो नंद वंश का शासक था उसका शासन था, उस काल की बात है कि गांधार यानी तक्षशिला में एक आचार्य थे चाणक्य कौटिल्य। वो विद्या अध्ययन का कार्य करवाते थे, और उनको यदा कदा किसी स्रोत के माध्यम से एक जानकारी मिली कि भारत के ऊपर कोई विदेशी आक्रमणकारी यानी सिकंदर आक्रमण करना चाहता है। कौन करना चाहता है? सिकंदर। किसको मिली सिकंदर के आक्रमण की जानकारी? चाणक्य या कौटिल्य को हमें सिकंदर की जानकारी मिलती है। सिकंदर के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो किसे मिलती है? कौटिल्य को मिलती है। और कौटिल्य कौन थे? तक्षशिला के आचार्य थे। उनको जब जानकारी मिलती है तो वो सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे भारत को इस विदेशी आक्रमण से बचाया जाए, और वो इसी विचार को लेकर के सोच रहे थे कि हमें इसके बारे में सबसे पहले किसे बताना चाहिए, कौन इस विदेशी आक्रमणकारी का सामना कर सकता है। तो उनके मन में विचार आया कि भाई, भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य वर्तमान में नंद वंश का है, जिसका शासक गणानंद है, क्यों न हम मगध के महाराजा को इस विषय से अवगत कराएं और उनके नेतृत्व में ही संपूर्ण भारत इकट्ठा होकर के इन विदेशी आक्रमणकारियों को बाहर निकाल सकते हैं। इसी विचार से देखो, यहाँ तक्षशिला से चाणक्य आए, मगध आए। कहाँ आए? मगध। लेकिन देखो, ये दुर्भाग्य था, या मान लो कि ये परिस्थितियां थी कि मगध का जो शासक घनानंद है वो विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। होता विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी जनता उन अनेक कष्टों के कारण दुखी थे, और उनका राजा के प्रति कोई रुचि भी नहीं थी। ये जब परिस्थिति घनानंद की ये परिस्थिति जब चाणक्य देखते हैं तो वो विचार करते हैं कि भाई, क्या ये समर्थ होंगे? इसी में एक यहाँ घटना घटित होती है। देखो, ये मगध का राज दरबार है मान लो, और यहाँ राजा बैठे हैं। कौन बैठे हैं? यहाँ सिंहासन पे राजा बैठे हैं, और यहाँ दोनों और उनके मंत्री और प्रजा बैठी है। यहाँ बीच में नृत्य और संगीत का
कार्यक्रम चल रहा होता है, जब चाणक्य यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो दरबारी होते हैं वो इन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो, तब वो बताते हैं कि भाई मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य कौटिल्य हूँ, जो मैं आपके महाराजा गणानंद जी से मिलने आया हूँ। लेकिन जब ये द्वारपाल उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम आप अभी राजा से नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे राजा अभी नृत्य और संगीत में लीन है, अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन गुरुजी होते हैं, वो किसके मानने वाले होते हैं? गुरुजी बोले मेरे को विशेष कार्य है, कोई विशेष काम है, मिलना अति आवश्यक है और जल्द मिलना आवश्यक है, मैं तक्षशिला से चल करके आया हूँ। इस बात का जब गणानंद को पता चलता है तो गणानंद मिलने के लिए उन्हें बुलाता है। लेकिन देखो कि गणानंद अपनी राज्य सत्ता के मध्य में चूर था और चाणक्य और गणानंद के बीच में कुछ ऐसी वार्तालाप होती है जिससे कटुता उत्पन्न हो जाती है। कई कई साहित्यों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि वह जो गणानंद है वो चाणक्य को धक्का दे देता है और चाणक्य की शिका खुल जाती है, तब चाणक्य क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन कोई भी किद्वंती हो, हमें ये निश्चित है कि भाई उस समय क्या हुआ कि गणानंद और चाणक्य के बीच में मतभेद हुआ था और उसी विषय पर चाणक्य ने एक संकल्प लिया था कि मैं अब अपनी शिखा को उसी दिन बांधूंगा जब तुम्हारे इस नंद वंश को समूल यानी संपूर्ण वंश को ही समाप्त नहीं कर दूं। और चाणक्य यहाँ से पुनः वापस को कहाँ जाते हैं? तक्षशिला आ जाते हैं। तक्षशिला आने के बाद में चाणक्य विभिन्न पूरे संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमता है और ये देखता है कि भाई मुझे कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मिले जो भारत को एक चक्रवर्ती यानी एक राज सम्राट के रूप में वो आदर्श स्थापित कर सके, संपूर्ण भारत पर एक सत्ता स्थापित कर सके, एक शक्ति को संगठित कर सके और सिकंदर जैसे विदेशी यात्रियों से संघर्ष कर सके या विदेशी जो आक्रमणकारी है उनसे लड़ सके। तो देखो जब आप बात करते हैं तो कौटिल्य एक बार जब विभिन्न भारत में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि एक शिकारी और उसके पास कुछ बालक थे और वो शिकारी उन बालकों को बोल रहा था कि भाई तुम्हारे में से कौन ऐसा बालक है जो बिना अस्त्र शस्त्र के शिकार कर सकता है, क्या कर सकता है? बिना अस्त्र शस्त्र के शिकार कर सकता है। तो उनमें से एक बालक जिसकी आयु यही कोई 6-7 वर्ष की आयु थी, वो बालक कहता है कि मैं शिकार कर सकता हूँ। तब वो शिकारी बोलता है अरे तू कैसे कर लेगा? तो उसने एक बात कही थी, उससे चाणक्य बड़े प्रभावित हुए। उसने कहा था कि उस शिकारी के पास जो बालक था उसने कहा था कि अस्त्र शस्त्रों से शिकार नहीं किया जाता, शिकार आत्मविश्वास से किया जाता है। किसे किया जाता है? आत्मविश्वास से किया जाता है। तब चाणक्य को लगता है कि ये बालक बहुत कुछ कर सकता है और चाणक्य उस शिकारी से उस बालक को ले लेता है और लेकर के कहाँ आ जाता है? तक्षशिला उस बालक को लेकर के आ जाता है। तक्षशिला उस बालक को लेकर आता है, उसे तक्षशिला में विद्या अध्ययन का कार्य करवाता है और विद्या अध्ययन करवाने के बाद में विदेशों में उसे यानी अन्य देशों में अस्त्र शस्त्र सेना की शिक्षा लेने के लिए भी भेजते हैं और बाद में वही जो बालक है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। वह जो बालक जो शिकारी के पास था उसको एक वीर योद्धा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में बनाते हैं। एक बार इन्हें देखिए, तो देखिए कि जो ये बालक था वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। देखो यहां तक समझ में आ गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था और चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व मगध का शासक कौन था। देखो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। गुप्त मौर्य, देखो बात है 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व मगध का शासक कौन था? का शासक था गणानंद। कौन था? गणानंद। एक और गणानंद, दूसरे और चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जो मित्र बोलते हैं या गुरु बोलते हैं जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य के साथ साथ से चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मगध पर आक्रमण करता है और मगध का शासक कौन होता है? गणानंद होता है। गणानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में गणानंद पराजित होता है और नंद वंश समाप्त होता है।
नंदवंश क्या हो जाता है, नंदवंश जो नंदवंश था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, और उसके स्थान पर एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई, वो है मौर्य वंश। वो क्या है, मौर्य वंश। तो ध्यान रहे मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 322 ईसा पूर्व के काल में। याद रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। याद तक समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें उसके जीवन के प्रारंभिक क्षेत्र के बारे में, प्रारंभिक जो विषय है उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हमें यहाँ पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में, जब वह 25 वर्ष की आयु थी उसकी, तब उसने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की, स्थापना कब करी, 322 ईसा पूर्व। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 25 वर्ष की आयु में मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व। देखो अब इनके दूसरा इन्होंने जो काम किया वो काम किया विजय अभियान, विजय अभियान। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल विजय अभियान चलाए और उन विजय अभियानों से जो संपूर्ण उत्तरी भारत का जो क्षेत्र था, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कंधार, चीन और कश्मीर का जो क्षेत्र था, सिंध प्रांत का जो क्षेत्र, यानी उत्तरी भारत, उत्तरी भारत पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। ठीक है, दूसरा कार्य उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, विजय अभियान चलाया, विजय अभियान से समूचे उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर दिया। इन्हीं के काल की घटना है, वो है 305 ईस्वी। 305 ईस्वी पूर्व क्या होता है कि मैंने जिस विषय के बारे में चाणक्य ने बताया था कि वह सिकंदर आक्रमण करना चाहता है भारत पर, उसी सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था, सेल्यूकस निकेटर। देखो 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस जो निकेटर है वो अपनी सेना लेकर के क्या करता है, आक्रमण करता है। इस पर करता है, चंद्रगुप्त मौर्य पर। देखो एक और चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरी ओर सेल्यूकस निकेटर, दोनों के बीच में युद्ध होता है, सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है। कौन पराजित होता है, सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है, और सेल्यूकस निकेटर जब पराजित होता है तो उसे संधि करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, संधि करनी पड़ती है। ये लो साहब संधि हो गई, और संधि के तहत ये होता है, सेल्यूकस निकेटर कहता है कि आप मुझे 500 हाथी दो, मैं आपको जीवन साथी देता हूँ। क्या देता हूँ, जीवन साथी। यानी कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई उसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसे दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए, क्योंकि उस समय हमारे मगध में विशाल जंगल का जो क्षेत्र था वहाँ अत्यधिक मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जिसके कारण मौर्यों के पास गज सेना थी, उसी गज सेना के बल पर सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। यानी कि सेल्यूकस निकेटर को क्या चाहिए थे, हाथी चाहिए थे, तो सेल्यूकस निकेटर को उपहार के स्वरूप में कितने हाथी दिए, 500 हाथी दिए। किसने दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए, और इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। किसका विवाह किया, हेलेना का विवाह किया। तो हेलेना का विवाह किससे किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो बालको इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य वो प्रथम व्यक्ति था जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, यानी कि विदेशी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया था। देखो ये सेल्यूकस निकेटर है वो यूनानी था, ये यूनानी सेनापति था। किसका, ये यूनानी सेनापति था, किसका, सिकंदर का। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। और सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान और सिंध प्रांत जो प्रांत है, यानी जो सिंध नदी का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कांधार का जो क्षेत्र है,
वो सारा क्षेत्र किसे दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, यानी पश्चिमोत्तर जो भारत है, पश्चिम भारत या पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिम और उत्तर का जो भारत था वो किसको मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। और सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने एक राजदूत को भेजता है जिसका नाम था मेगस्थनीज, वेरी वेरी मोस्ट, किसको, मेगस्थनीज को, याद रहे सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजा जो कौन था, मेगस्थनीज था। और इस मेगस्थनीज ने अपनी यहां रहते हुए पुस्तक लिखी, उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। देखो वेरी वेरी मोस्ट है ये, सभी एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है कि इंडिका की रचना किसने की थी, मेगस्थनीज ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो मेगस्थनीज आया था। किसका राजदूत था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा तो एक बार इसे आप नोट्स के रूप में लिखने का प्रयास करें। आगे देखो, अब हम जब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके विषय में हमें जो जानकारी मिलती है उसके प्रमुख देखो तीन साहित्यिक स्रोत हैं। एक तो देखो चाणक्य या कौटिल्य की, कौटिल्य की जो रचना है या पुस्तक, इसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक मेघस्थनीज, मेघस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम था इंडिका। और कलहण की रात्रि, ये तीनों ही ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में भी मौर्यवंश के विषय में जानकारी मिलती है, और विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। बाद के कई साहित्यों में, बाद की अगर बात की जाए तो अशोक के काल में तो विभिन्न जो शिलालेख है, अभिलेख है, ताम्रलेख है, उनकी जो स्थापना होने लगी, उनकी रचना होने लगी, उनसे हमें विशेष जानकारियां प्राप्त होती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करें तो ये तीनों प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं जिनके विषय में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक बात हो गई। अब देखो बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तर काल की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो जीवन आया उसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने विशाल विजय अभियान चलाया और उसके साम्राज्य में उत्तर हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण के सुदूर तक भारत और पूर्व के मग जो उनसे लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक का जो क्षेत्र है उस पर उसका अधिकार हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। और दो तमिल साहित्य हैं, देखो तमिल जो साहित्य है उनमें दो है, एक तो अहनानूर, अहनानूर और दूसरा है मुन्नानूर। अहनानूर और मुन्नानूर तो तमिल साहित्य है, उनमें ये विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारतीय यानी दक्षिणवर्ती जो भारत है उस पर भी अपना आक्रमण किया था। इनके विषय में जानकारी जो मिलती है वो अहनानूर और मुन्नानूर दो साहित्य उनसे प्राप्त होता है। और अपने अंतिम काल में देखो, अंतिम काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेता है, जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा लिख सकते हैं हम, शिक्षा लेता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य वो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेता है, यानी कौन सा धर्म ग्रहण कर लेता है, जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। कौन सा धर्म ग्रहण करता है, जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है अपने जीवन के अंतिम समय में। और उसे जैन धर्म कौन ग्रहण कराते हैं, भद्रबाहु, ये एक जैन मुनि थे भद्रबाहु जो उनको जैन धर्म की दीक्षा शिक्षा देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने अंतिम समय में, यानी कि 298 ईसा पूर्व की बात है, 298 ईसा पूर्व है, वो श्रवण मेघ गोला जो कि वर्तमान मैसूर, जो मैसूर है श्रवण मेघ गोला, वहां पर सुलेखना पद्धति यानी उपवास के द्वारा
उपवास के द्वारा अपने देह को यानी शरीर का त्याग कर देता है। देखो सुलेखना पद्धति क्या होती है, यानी कि जैन धर्म के अंदर जो जैन धर्म की जो शिक्षा ग्रहण करता है वो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा के मिलन के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि उपवास करते हैं, यानी अन्न और जल का त्याग कर देते हैं और अपने शरीर यानी देह को त्याग कर देते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं, पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं। वो सुलेखना पद्धति है और इसी सुलेखना पद्धति को के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो श्रवणबेल बोला यानी वर्तमान मैसूर में 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष तथ्य थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। और अब हम अगली कक्षा में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, कौन था बिंदुसार, यानी 298 ईस्वी पूर्व जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी और उसका पुत्र जो राजा बनता है उसका नाम है बिंदुसार, उसके विषय में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली क्लासों की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आप लगन से पढ़ते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली कक्षाओं में आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप अपनी कक्षा कक्ष में बैठ के पढ़ रहे हो। धन्यवाद।